जय हिंद दोस्तों, मैं हूं गणेश और आप जुड़े हैं नैतिक आलोचक से। दोस्तों आज हम बात करेंगे द केरला फाइल्स। यह एक गंभीर विषय है और इस पर हम लोगों को पहले ही बात कर लेनी चाहिए थी। और इस पर मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूं, हो सकता है यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए या इसे मैं दो पार्ट में बनाऊँ। दोस्तों बात शुरू होती है आज़ादी के टाइम से, सन 1947 से। 1947 में अपने देश में दो राज्य भारत में विलय नहीं होना चाहते थे, वह पाकिस्तान में विलय होना चाहते थे। उसमें एक है हैदराबाद और दूसरा है केरला। हैदराबाद में एक लीग थी MIM और केरला में थी IMU। ये दोनों ही लीग भारत में विलय नहीं चाहती थी, पर हैदराबाद को सरदार पटेल ने बलपूर्वक अपने ही मिला लिया। और जो IMU है उसने हैदराबाद को देखते हुए भारत में विलय हो गई। आज़ादी के बाद से ही वहाँ पे मुस्लिमों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से वहाँ जो भी सरकार बनती थी उसमें मुस्लिमों का जो है नेतृत्व होता था। समय बढ़ता गया और सन 2000 यानी कि 21वीं सदी के आने पर अरब देशों में तेल की तरफ पूरी दुनिया देखने लगी। ये वो समय था जब केरला के लोग पढ़े लिखे लोगों को पैसों की आवश्यकता थी, और पैसे के लिए अरब देश काम नहीं करना चाहता था और केरला के लोग मेहनती ईमानदार थे, इसलिए यहाँ के लोग अरब देशों में जाने लगे, जिसमें ओमान, कतर, सऊदी अरब इस तरह के देश हैं जहाँ पे ये देश जाके पैसा कमाने लगे। वहाँ कोई टैक्स ना होने की वजह से ये पैसा कमाते, ये वहाँ जाते काम करते और वहाँ से पैसा लेके अपने देश में आते। ये तो होगी नॉर्मली बात, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। पर हुआ ये कि जब वो देश जब वो लोग वहाँ जाते थे, मान लीजिए हमारे मोहल्ले में कोई रहमान रहता है, वो अरब गया या सऊदी अरब गया या कतर गया, वो वहाँ से पैसा कमा के जो है हमारे यहाँ किसी को भेजता है, वो मकान बनाता है, तो इससे क्या होता है कि आसपास के लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, प्रभावित होते हैं और वो इस चीज़ को देखते हैं। इसी तरह केरला के हिंदू, क्रिश्चियन और मुसलमान सऊदी अरब और अमन, कतर, ओमान, जहाँ भी जो गल्फ कंट्री है उनमें जाने लगे। अचानक हुआ ये तो वहाँ से पैसा लाते हैं, लेकिन पैसे के साथ एक चीज़ और ट्रेड हो रही थी, वो था कल्चर। जब यहाँ के लोग वहाँ जाते हैं तो वहाँ कल्चर से प्रभावित होकर यहाँ पर वापस आते हैं। इसी तरह जब वहाँ के कुछ सो कॉल्ड मुस्लिम थे, उन्होंने यहाँ के लोगों को पैसे तो दिए पर साथ में कहा कि आपको अपने राज्य में इस्लामिक वर्चस्व जो है उसको बढ़ाना होगा, और वहाँ से खेल शुरू होता है कन्वर्जन का। कन्वर्जन के साथ ही जब लोगों को पैसा दिखा और वो उन चीज़ों को देखने लगे तो प्रभावित होने लगे, इसके बाद जो है वहाँ पे मुस्लिम संख्या बढ़ने लगी। जो आज़ादी के टाइम वहाँ पे हिंदू 70% थे, वो हिंदू अब वहाँ पे 56% रह गए और मुस्लिम 30% हो गए। केरला राजनीतिक और आर्थिक रूप से तो आगे बढ़ रहा था, परंतु धार्मिक रूप से पिछड़ता जा रहा था। केरला में मुस्लिम लोगों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा था, इसी वजह से वहाँ पे कन्वर्जेशन शुरू हुआ और वहाँ पे शुरू हुआ लव जिहाद। लव जिहाद के बारे में आपको कल बताऊंगा, आज मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य क्या था। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के माध्यम से, राजनीतिक दृष्टि के माध्यम से केरला में हमेशा मुस्लिम संगठनों का ही बोलबाला रहा। उनके बोलबाले ज़्यादा होने की वजह से, उनका वर्चस्व ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे जब भी कोई चुनाव होता है तो या तो कांग्रेस जो थी, या तो कांग्रेस के समर्थन से कोई मुस्लिम नेता आता था या मुस्लिम लीग IMU के लोग ही आते थे। इसकी वजह से वहाँ पे जो है मुस्लिम नेता होने की वजह से वहाँ पे मुस्लिम कल्चर प्रभावित हुआ और वो ज़्यादा बढ़ा, इसकी अपेक्षा हिंदू कल्चर कम हुआ, वहाँ क्रिश्चनिटी बढ़ी। दूसरा जो गल्फ कंट्री से पैसा आ रहा था, गल्फ कंट्री से पैसा आने की वजह से वहाँ पे मस्जिदों का निर्माण और मुस्लिम धर्म को बढ़ावा मिला। यही रीजन है कि इसने द केरला फाइल्स जैसी मूवी को बनाने के लिए एक सब्जेक्ट दिया। और दोस्तों केरला फाइल जो मूवी है वो बिल्कुल सच तथ्य पे बनी है, सत्य घटना पे आधारित है। इसके विषय में हम कल बात करेंगे, तो जुड़े रहिए नैतिक आलोचक से। धन्यवाद।